नमस्कार, मैं हूं मंजूपुरी। पंजाबी तड़का चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फूले फूले भटूरे, तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर एक बाउल मैदा लिया है। मैदे में हमने नमक डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है और 2 से 3 चम्मच हमने ऑयल डालना है इसमें। पहले अच्छे से इसको मसल लेना है। मसलने के बाद अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब ऑयल को भी अच्छे से मसलना है। अब हम इसमें डालेंगे दही और साथ में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसको इस डो को हमने अच्छे से मसलना है। मसल मसल के इसका हमने बढ़िया सा डो लगाना है। बस इसे जितना अच्छे से मलेंगे ना, उतना अच्छे से ही हमारे भटूरे फूले हुए और बढ़िया बनेंगे। डो हमारा तैयार है। अब हमें इसको ग्रीस करके अच्छे से इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करना के लिए छोड़ देना है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हमें फिर से इसे मसलना है। मसलने के बाद अब हम इसके गोल पेड़े बनाएंगे। थोड़ा सा देखो, हमारा डो बिल्कुल बढ़िया सा अच्छे से तैयार है। हमें अब इसको एक बार और अच्छे से मसल के अब हम इसके पेड़े बना रहे हैं। तो इसे हम घुमा घुमा के इसको, ताकि इसको तोड़ लेंगे। ये देखिए, तोड़ने के बाद अब हम इसे अंदर की साइड मोड़ रहे हैं, ताकि हमारे भटूरे में स्क्रैच ना आए। बस इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है और इसको अंदर की साइड, जैसे पेड़ा बनाते हैं ना रोटी का, बिल्कुल वैसे वैसे ही इसको अच्छे से हमने इसकी 2-3 लोइयां बना करके और रखते जाना है। देखिए कैसे मैं अंदर की साइड ले रही हूँ, ताकि इसमें हवा बिल्कुल भी ना जाए और बढ़िया से इसमें भटूरे बने। तो आइए अब इसमें अपने भटूरे तलने के लिए हमने कढ़ाई रख दी है। अब भटूरों को बेलते हैं हम। मैदा थोड़ा फैलने में टाइम लगाता है, इसलिए इसको अच्छे से आप थोड़ा सा बड़ा करें, क्योंकि मैदा है सिकुड़ता जाता है। इसको थोड़ा सा फैलाएं, नहीं तो भटूरे मोटे मोटे बन जाएंगे और मोटे भटूरे अच्छे लगते नहीं हैं। देखिए, मैंने पूरे चकले के जितने बड़े बड़े भटूरे बनाए हैं। और तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में भटूरे अच्छे नहीं बनेंगे। तेल ज़्यादा गर्म होगा तो भटूरे बहुत बढ़िया निकलेंगे। उस पर हमने हाथ पे ही थोड़ा सा इसको झटका लेना है, ताकि ये भटूरा थोड़ा फैल जाए। देखिए, मैंने तेल में भटूरे को छोड़ दिया है और भटूरे के ऊपर हमने हल्का हल्का ऑयल डालना है। ऑयल डालने से क्या होगा कि भटूरे पर जो सेक है ना, वो पूरा लगेगा, क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है। भटूरा हमारा पक चुका है, देखो कितना बढ़िया फूला फूला, एकदम नीचे से भी इतना बढ़िया क्रिस्पी तल करके हमारा तैयार हुआ है। बस अब हम इसे बाहर निकालेंगे। ये देखिए, भटूरा हमारा तैयार हो चुका है। मैं दूसरा भटूरा आपको बेल करके बताती हूँ। इसी तरह से हमने सारे भटूरों को तलना है। भटूरे में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसमें आप अच्छे से उसका पेड़ा बनाएं, ताकि इसमें एक भी क्रेक ना आए। इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखेंगे तो भटूरे आपके भी बहुत बढ़िया फूले फूले और क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, दूसरा भटूरा भी मैंने ऑयल में छोड़ दिया है।
ये देखिए भटूरे हमारे फूलने लग गए हैं एकदम बैलून की तरह। ये देखिए कितने बढ़िया तला रहे हैं क्योंकि हमारा ऑयल बहुत गर्म है। हमारे रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय।